चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, तो जैसे नॉर्मली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो टर्म है, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, ये केवल वाटर के साथ रिएक्शन को मेंशन करता है। जब भी कोई कंपाउंड है, जब भी कोई आयन है, जैसे उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आराम से उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हुए काम कर सकते हैं। चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वाटर के साथ रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस वर्ड हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम लोग जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी नॉर्मली सॉल्ट अपना ए बी टाइप का हो सकता है। और अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है तो मान लेते हैं कि ए माइनस और बी प्लस में डिसोसिएट कर जाए। इन जनरल हम लोग ए प्लस और बी माइनस लेते हैं, लेकिन अभी हम ए माइनस और बी प्लस ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा एसिड को एच ए से लिखते हैं और बेस वाले पार्ट को बी ओ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एसिड से जब एच प्लस हटता है तो वहाँ से ए माइनस बनता है, बेस से जब ओ एच माइनस हटता है तब उस केस में बी प्लस बनता है। तो इसीलिए ए बी को डिसोसिएट करके ए माइनस और बी प्लस में डाला। तो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट का मतलब यह है कि हम लोग जो भी रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, उस रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए लेकर के चल रहे हैं कि हम लोग का जो ये सॉल्ट वाला पार्ट है, एक मिनट, हाँ, हम लोग का जो ये सॉल्ट वाला पार्ट है, ये सॉल्ट वाला पार्ट डिसोसिएशन होने के बाद वाटर के साथ आराम से रिएक्शन कर ले। तो वाटर के साथ रिएक्शन होने का मतलब है कि ए माइनस वाला पार्ट वाटर के साथ रिएक्शन कर पाए, या फिर बी प्लस वाला पार्ट वाटर के साथ रिएक्शन करे। जब ए माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में इस ए माइनस पे एच प्लस का एडिशन करा के हम लोग आराम से एच ए बना सकते हैं। और जब ए माइनस एच प्लस के साथ रिएक्शन करके हटेगा, तब उस केस में एच टू ओ में से एच प्लस हट गया तो बेसिकली ओ एच माइनस का फॉर्मेशन होगा। जब हम लोग बी प्लस का रिएक्शन एच टू ओ के साथ कराएंगे, तो इस एच टू ओ में से एच प्लस और ओ एच माइनस को अगर कंसिडर करें, तो ओ एच माइनस बी प्लस के साथ आराम से रिएक्शन करके बी ओ एच का फॉर्मेशन कराएगा, और साथ ही साथ एच प्लस वाला पार्ट का फॉर्मेशन करा सकता है। तो जो अनायन वाला पार्ट है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तब इस केस में हम लोग अनायनिक हाइड्रोलिसिस आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं। जबकि दूसरे वाले केस में, जब बी प्लस होगा मतलब कटायन वाले पार्ट में हाइड्रोलिसिस हो रहा, तो यहाँ पे आराम से हम लोग वर्ड कटायनिक हाइड्रोलिसिस यूज करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं, अनायनिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा कटायनिक हाइड्रोलिसिस। सिंपली इस चीज को ध्यान रखना, जब अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो ओ एच माइनस का फॉर्मेशन होना है, जब कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में एच प्लस वाले पार्ट का फॉर्मेशन होना है। मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज का हाइड्रोलिसिस है तो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज बनेगा, जब पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोलिसिस है तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ओ एच माइनस का फॉर्मेशन और एच प्लस वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। एक तो सबसे बेसिक पार्ट ये है। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जब ए माइनस वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तब उस केस में सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, क्योंकि ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। जब बी प्लस का कंसनट्रेशन या बी प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा तब उस केस में सॉल्यूशन वाला पार्ट एसिडिक बनेगा, क्योंकि एच प्लस वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो सबसे बेसिक पार्ट है जिसको ध्यान रखना है। अगर अनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ तब उस केस में सॉल्यूशन का पीएच 7 से हायर निकल के आना चाहिए। अगर कटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 वाले पार्ट से कम निकल के आएगा। ये एक नॉर्मल केस लेकर के चल सकते हैं हम लोग। उसके अलावा पॉइंट ये कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एस सी एल था, एस सी एल वाले पार्ट का जो आयन है वो एच प्लस और सी एल माइनस है। मान लो हम लोग सी एल माइनस वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो सी एल माइनस का हाइड्रोलिसिस कराने पे हम लोग को एस सी एल मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को ओ एच माइनस मिलेगा। तो अगर एस सी एल मिला और ओ एच माइनस मिला, तो इस केस में जैसे एक चीज हम लोग बोल तो सकते थे ना कि एस सी एल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट हमेशा 100% डिसोसिएट करता है, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है एच प्लस और सी एल माइनस में। तो अगर हम लोग इस सी एल माइनस का हाइड्रोलिसिस करा भी दें तो भी हम लोग को जो स्पीसीज मिल रहा, मतलब जो सी एल माइनस का हाइड्रोलिसिस करा भी दें तो भी हम लोग को जो स्पीसीज मिल रहा है, ये रह नहीं सकता मीडियम में, ये आराम से एच प्लस और सी एल माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। और जैसे ही एच प्लस और सी एल माइनस में डिसोसिएट करेगा, तो बेसिकली हम लोग मोल कंसेप्ट अप्लाई करके ये चीज़ देख सकते हैं। सी एल माइनस एच टू ओ के साथ रिएक्शन करके एच सी एल बनाया, तो जितना एच सी एल वाला पार्ट बना उतना ही ओ एच माइनस बनेगा, सारा का सारा 1:1 रेशियो में। मतलब जितना सी एल माइनस एच टू ओ के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जितना सी एल रिएक्ट करेगा उतना ही एच टू ओ रिएक्ट करेगा, उतना ही एच सी एल बनेगा उतना ही ओ एच माइनस बनेगा। तो
जब HCl डिसोसिएट करेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो जितना HCl बनेगा उतना ही H प्लस बनेगा। तो बेसिकली ये जो H प्लस वाला पार्ट है, ये बनते ही OH माइनस के साथ रिएक्शन करके फिर से H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl माइनस के हाइड्रोलिसिस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा हम लोग एक कंसिडरेशन ले सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से कंक्लूजन के फॉर्म में, कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस को यूज़ कर रहे हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। तो सिमिलर टाइप से स्ट्रॉन्ग बेस के जो कंजुगेट एसिड की बात कर रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए कटायन की बात कर रहे हैं, उसका भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कभी नहीं कर सकते। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सा केस है जिसको ध्यान रखना ही रखना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ से जो भी आयन आएगा उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते। जैसे मान लो एक सॉल्ट है NaCl, तो NaCl वाला पार्ट हम लोगों को Na प्लस देगा और साथ ही साथ Cl माइनस देगा। तो Na प्लस कहाँ से आया है? तो इस केस में जब पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है बस उतने ही के बराबर ही ये ऐड कर दो, ओ एच माइनस ऐड कर दो। तो एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक ओ एच माइनस ऐड कर दिया। सी एल माइनस वाले पार्ट में एक निगेटिव चार्ज है तो उतना ही एच प्लस ऐड कर दो, यहाँ से एच सी एल। तो एन ए ओ एच के तरफ से एन ए प्लस आया था, एच सी एल के तरफ से सी एल माइनस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के अनायन वाले पार्ट का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मतलब ना इसका हाइड्रोलिसिस है ना सी एल माइनस का, तो बेसिकली एन ए सी एल का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर हाइड्रोलिसिस होता तो एच प्लस और ओ एच माइनस निकलता, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ना एच प्लस निकल रहा है ना ओ एच माइनस निकल रहा है, तो हम लोग का वाटर जो है वो जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही रह जाएगा। pH इज इक्वल टू 7 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। सेकेंड केस, अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि एक मिनट, अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेकर के चले कि मान लो हम लोग का एसिड वाला पार्ट ऐसा दे रखा CH3COONa, तो बेसिकली इसको डिसोसिएट करेंगे तो CH3CO माइनस में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ Na प्लस में। जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हाइड्रोजन ऐड कर दो तो COH बनेगा, और दूसरे वाले केस में उतना ही OH माइनस ऐड कर दो NaOH बनेगा। NaOH वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा CH3COH वाला पार्ट वीक एसिड है। जो अनायन वीक एसिड के तरफ से आया है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, बट जो कटायन स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ से आया है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इस केस में जहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पे अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा इसका मतलब सॉल्यूशन में एच प्लस नहीं निकलेगा, ओ एच माइनस निकलेगा, और अगर ओ एच माइनस निकलेगा मतलब पीएच वाला पार्ट ग्रेटर देन 7, या फिर अगर पीएच वाला पार्ट ग्रेटर देन 7 भी बोल रहे हैं तो ऐसा भी जो लिख सकते थे, अगर ओ एच माइनस निकल रहा है तो बेसिकली हम लोग पी ओ एच वाले पार्ट का कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। कैलकुलेशन में दो तीन टर्म्स का ध्यान रखना होता है। पहला चीज, ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन कितना है, सबसे पहला पार्ट। दूसरा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं। तीसरा, पी ओ एच का वैल्यू कितना निकल के आ सकता है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट को हम लोग बेसिकली एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बेसिक आइडिया होगा तुम लोगों को, और हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट वाले पार्ट को के एच से। तो जैसे एक इक्वेशन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बट अदरवाइज बाकी सारे के सारे पार्ट को तुम लोगों को खुद से ही कंसिडर करना है या फिर रिलेट करते हुए चल लेंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो CH3CO- है, तो CH3CO- वाला पार्ट जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में एच प्लस गेन करके CH3COH बनाएगा और साथ ही साथ OH माइनस बनाएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर इसका कंसनट्रेशन सी के बराबर है तो बाकी सबसे उन लोगों को मतलब नहीं है, वाटर के कंसनट्रेशन से ही मतलब नहीं होता, प्रोडक्ट वाला पार्ट तो जीरो है। इक्विलिब्रियम पे मान के चले कि इसका हाइड्रोलिसिस जो है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो एच के बराबर है, तो जैसे सी इंटू वन माइनस अल्फा लिखते थे एग्जैक्टली सी इंटू वन माइनस एच लिख सकते हैं। एच वाला पार्ट काफ़ी छोटा होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होता है नॉर्मली। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में सी एच का फॉर्मेशन होगा, फिर से सी एच का फॉर्मेशन होगा। तो इस इक्विलिब्रियम वाले पार्ट के लिए बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इस हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट के एच रिप्रेजेंट कर सकते थे। के एच इज इक्वल टू CH3COOH इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ CH3CO- इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O, आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये H2 वाला पार्ट तो सॉल्वेंट है, ये अपने काम का नहीं है, इस चीज़ को हम यहाँ से हटा करके चल सकते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। बाकी जो बचा पार्ट है उसके हिसाब से लिख सकते थे हम लोग CH3COH का कंसनट्रेशन CH के बराबर,
ओ एच माइनस से कंसनट्रेशन सी एच के बराबर, सी एच थ्री सी ओ माइनस से कंसनट्रेशन सी इंटू वन माइनस एच के बराबर, ये कैंसिल आउट होगा तो बचता था यहाँ पे एक्सप्रेशन में के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। और क्योंकि एच इज वेरी मच लेस देन वन है तो इसका मतलब वन माइनस एच को हम लोग वन के बराबर ले लिया करते थे। यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच इज इक्वल टू रूट अंडर के एच बाई सी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये सबसे पहला एक्सप्रेशन है जो हम लोगों को कंसिडर करते हुए चलना होता है, जिसको हम लोग किसी और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको देख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, के एच इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ एच इंटू ओ एच माइनस को आया क्या। ये अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ रखो वर्षा क्लास के टाइम पे। तो ये जो एक्सप्रेशन है के एच इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ एच इंटू ओ एच माइनस, वर्षा माइक्रोफोन ऑफ रखो क्लास के टाइम पे। हाँ, चलो जान दो। तो जैसे एक्सप्रेशन वाले पार्ट में अगर ये पार्ट यूज करके चले हम लोग सी एच थ्री सी ओ एच इंटू ओ एच माइनस, तो के एच इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ एच का कंसनट्रेशन इंटू ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी ओ माइनस। तो अपने एक्सप्रेशन में हम लोग नॉर्मली एच प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करते हैं, और जब एच प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ओ एच माइनस इंटू एच प्लस, ये हमेशा के डब्ल्यू के बराबर होता है। ये बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन है, इतना तो ध्यान रहता ही रहता है, एच प्लस इंटू एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। दूसरा सी एस थ्री सी ओ माइनस इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाई सी एस थ्री सी ओ एच, ये पार्ट के बराबर होता है, सी एस थ्री सी ओ माइनस इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाई सी एस थ्री सी ओ एच। लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है, ये पार्ट पहले ऊपर होता है, ये पार्ट नीचे होता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक का है, इस एक्सप्रेशन वाले पार्ट को हम लोग वन अपॉन के बराबर लिख सकते हैं, मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। तो जैसे एक्सप्रेशन वाले पार्ट में अगर इस के एच वाले पार्ट का के डब्ल्यू अपॉन के ए कंसिडर करें हम लोग, तो इस चीज़ को यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं के एच वाले पार्ट में। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का बेसिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग को कंसिडर करते हुए काम करना होता है। उसके अलावा हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन तो के डब्ल्यू अपॉन के याद रखना ही रखना है, जो जो बॉक्स में फॉर्मूले यूज कर रहे हैं उन सबको याद रखना होगा। फिर उसके बाद जैसे एक चीज़ देख सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक पार्ट पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी ऑफ कंजुगेट बेस, और के ए इंटू के बी कंजुगेट पेयर का, रैंडम नहीं केवल कंजुगेट पेयर का। जैसे अगर एच ए लेते हैं तो यहाँ से ए माइनस, के ए इंटू के बी ऑफ कंजुगेट बेसिस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो यहाँ वही चीज़ है, के एच वाला पार्ट किस चीज़ का हो रहा है, मतलब किस चीज़ का हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली सी एस थ्री सी ओ माइनस का। के ए किस चीज़ का लेके चल रहे थे, तो सी एस थ्री सी ओ एच का। तो के ए ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच है, के एच ऑफ सी एस थ्री सी ओ माइनस है, तो के ए इंटू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, के ए ऑफ एसिड था और के बी ऑफ कंजुगेट बेस था, इसका मतलब ये जो के बी है और ये जो के एच है ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, बस हम लोग आपस में कंजुगेट पेयर वाले पार्ट को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर मान लो जैसे इसमें एक्सप्रेशन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें, तो ऊपर जैसे मेंशन किया था ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी एच के बराबर, तो अगर ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी एच के बराबर है तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने ओ एच माइनस वाले पार्ट का एक्सप्रेशन कंसिडर करना शुरू कर लेते हैं। ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी एच इज इक्वल टू सी इंटू एच का फॉर्मूला भी मेंशन किया था जस्ट ऊपर, ये पार्ट यूज़ कर लो या फिर दूसरा पार्ट यूज़ कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों यूज़ कर लेते हैं। सी इंटू रूट अंडर के एच बाई सी, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा रूट अंडर सी इंटू के एच के बराबर। एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन वाला पार्ट रूट अंडर सी इंटू के एच के बराबर, और दूसरा सी इंटू रूट अंडर के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा रूट अंडर के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के। तो हम लोगों का ओ एच माइनस का दो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, दोनों याद रखने लायक है। हो सकता है कभी कभी सवाल में ओ एच माइनस से एक्सप्रेशन पूछ ले, कभी कभी सवाल में पी ओ एच वाला पार्ट पूछ ले। ओ एच माइनस इज इक्वल टू रूट अंडर सी के एच इज इक्वल टू रूट अंडर के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के, ऐसा हम लोग एक्सप्रेशन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और यहाँ से जब हम लोग पी ओ एच निकालते हैं, तो पी ओ एच इज इक्वल टू हाफ के डब्ल्यू का माइनस लॉग लेंगे तो पी के आता है, के वाले पार्ट का माइनस लॉग लेते तो पी के आता, बट यहाँ वन अपॉन के है, तो
वन अपॉन के वाले पार्ट में हम लोग आराम से यहाँ पे माइनस साइन ले सकते हैं, माइनस पी के, और सी वाला पार्ट ऊपर है तो यहाँ पे माइनस लॉग सी आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला है, पी ओ एच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस सॉरी हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस लॉग सी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे पी ओ एच का कर रहे हैं, ना कि पी एच वाले पार्ट का। तो अगर पी एच मालूम है या पी एच कैलकुलेट करना है, पी ओ एच मालूम है, तो हम लोग आराम से 14 माइनस पी ओ एच कंसिडर करके काम कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग का अनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस में हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते थे, के एच का रिलेशन निकाल सकते थे, ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन पी ओ एच वाले पार्ट का वैल्यू निकाल सकते थे। तो जब हम लोगों का कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब अगर हम लोग सॉल्ट कंटेनिंग या सॉल्ट ऑफ ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेके चले अगर, जैसे NH4Cl, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो वीक बेस के कंजुगेट एसिड वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, जस्ट उल्टा पार्ट निकल के आना शुरू हो जाएगा। उल्टा पार्ट निकल के आने का मतलब, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट में तो के एच बाई सी होगा, लेकिन जो अपना के एच का एक्सप्रेशन था पहले वाले केस में के डब्ल्यू अपॉन के ए था, तो यहाँ पे हम लोग जो बेस है उसके अनायन का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ पे के एच का एक्सप्रेशन के डब्ल्यू अपॉन के बी के बराबर निकल के आएगा, सबसे पहला वैल्यू। दूसरा पार्ट जो हम लोग का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट था, एच रूट अंडर के एच बाई सी के बराबर था, तो एच वाले पार्ट में अगर ऊपर का एक्सप्रेशन डालेंगे तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी इंटू सी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग का तीसरा एक्सप्रेशन था, हम लोगों का ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन, तो वहाँ वाले पार्ट में ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन आया था रूट अंडर सी के एच। तो के एच वाले पार्ट में तो दिक्कत नहीं है, के एच वाला पार्ट एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके आगे एक और एक्सप्रेशन आया था जो के एच को हम लोग के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करके चल रहे थे, तो यहाँ वाले पार्ट में एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा के डब्ल्यू इंटू सी, और सॉरी ओ एच माइनस भी नहीं, वहाँ पे ओ एच माइनस आया था तो यहाँ पे एच प्लस का कंसनट्रेशन होगा, के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाई के बी वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो वैसे ये चीज़ तुम लोग को इतना बेसिक मालूम होता है कि जब भी कभी हम लोग एसिड की जगह पे बेस का कैलकुलेशन करते हैं, तो एसिड में एच होता है तो बेस में ओ एच होता है, एसिड में पी एच होता है तो उधर पी ओ एच वाला पार्ट होता है, एसिड में के होता है तो बेस वाले पार्ट में के बी होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जब ऊपर वाले एक्सप्रेशंस को लेके चल रहे थे तो ऊपर वाले पार्ट में हम लोग के पास के था तो नीचे वाले पार्ट में के बी हो गया, उसके अलावा यहाँ पे ओ एच माइनस था तो नीचे वाले पार्ट में एच प्लस हो गया, यहाँ पे पी ओ एच है तो नीचे वाले पार्ट में पी ओ एच आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉरी ऊपर ओ एच पी ओ एच था, नीचे पी एच आराम से कंसिडर कर सकते हैं। पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू, ऊपर पी के था तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से माइनस पी के भी ले सकते हैं, उसके अलावा आराम से माइनस लॉग सी वाला पार्ट भी कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हम लोग को ध्यान रखना है, ये तीन एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे हिसाब से, इस तरह का सवाल तो ये इस तरह का फॉर्मूला आराम से कंसिडर कर रखा होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे नॉर्मली हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, इस सवाल में अगर सॉल्ट का कंसनट्रेशन सी दे रखा है तो हम लोग सीधा यहाँ पे सी वाले पार्ट को यूज़ करते हैं, इस एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सॉल्ट का कंसनट्रेशन सी है तो हम लोग का सॉल्ट के कंसनट्रेशन से मतलब नहीं होता है, जो हम लोग का कंजुगेट बेस है या कंजुगेट एसिड वाला पार्ट दे रखा है, हम लोग को इन आयंस के कंसंट्रेशन से मतलब होता है, रेदर देन सॉल्ट के कंसंट्रेशन से। इस एक पार्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लो जैसे क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लो, कैलकुलेट द पीएच इन द फॉलोइंग कैलकुलेट द पीएच इन द फॉलोइंग अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस हो सकते हैं, और सारे फॉर्मेट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं।
ऊपर का अगर फॉर्मूला देखना होगा तो फॉर्मूला देख सकते हैं, बट अपना कॉपी लेके बैठा करना, अगर ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कॉपी लेके बैठा करना ज़्यादा बेटर होगा। ट्राई करके देखो चार क्वेश्चंस। किसी को फॉर्मूला देखना हो तो आराम से देख सकता है।
आंसर आएगा तो बताते चले जाना, डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आएगा तो मोस्टली इन चार फॉर्मेट्स में से किसी एक फॉर्मेट में आएगा। हो सकता है जैसे थर्ड वाले केस में एसिड की जगह पे बेस वाला पार्ट दे रखा हो, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आएगा सवाल तो इन चार पांच फॉर्मेट्स में से ही किसी एक फॉर्मेट में आएगा। आया भी आंसर किसी का पहले वाले का, पहले फोर वाले का फोर, पहले वाले का पीएच फोर। फोर तो एकदम गलत है। अरे भाई सवाल में अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, अगर अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, मतलब पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7, वो तो हो ही नहीं सकता। भाई बोलो, 0.1 मोलर 10^-5 दे रखा, चलो जान दो। CH3CO Na दे रखा, तो इस केस में जो अपना CH3CO- है, एक तो अनायन है, इसका मतलब एक चीज पहले ही सोच लेंगे, पीएच वाला पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। दूसरा, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर के बराबर ही रह जाएगा। तो अगर अनायनिक हाइड्रोलिसिस है तो इस केस में OH- निकलेगा, और अगर OH- निकलेगा तो हम लोग POH कैलकुलेट कर पाएंगे। POH इज इक्वल टू हाफ PKW - PKa - log C। तो यहाँ से POH वाला पार्ट निकल रहा है, ना कि PH। हाफ PKW का वैल्यू 14 होता है रूम टेम्परेचर पे, माइनस PKa, तो K का वैल्यू शायद ऊपर दे रखा होगा 10^-5। तो जब PKa लेंगे तो 5 होगा, बट यहाँ माइनस PKa है, मतलब -5 रखेंगे। -log C, कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर है, मतलब 10^-1। उसका लॉग लेते तो -1 आता, बट पहले से बाहर -1, इसका मतलब +1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू में ये तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे -4, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ पे सॉरी बचेगा यहाँ पे 10, 10/2 का मतलब हो गया 5। तो POH इज इक्वल टू 5 है, pH कितना हो जाएगा, तो आराम से 9 के बराबर ले सकते हैं, 14 - 5, आंसर 9 होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। चलो अगर डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। नेक्स्ट वाले का हम केवल आंसर मार्क कर रहे हैं, और तुम लोग को अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो पूछ लेना। ये 11/2 का मतलब हो जाएगा 5.5, और उसके अलावा यहाँ पे log 5 का हो जाता है वैल्यू 0.69 के बराबर, 4 7, हाँ ठीक है, 0.69/2।
0.69 बाई 2 का मतलब हो गया 0.approximately 35, तो 5.15 के बराबर वैल्यू होना चाहिए, pH इज इक्वल टू 5.15 नियर अबाउट। एक बार आंसर चेक कर लो, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, बट एक बार आंसर चेक कर लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में अपना जो पीएच है वो, एक मिनट, पीएच वाला पार्ट निकल के आएगा फिर से 9 के बराबर। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर खुद से समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो आराम से डाउट पूछ लिया करो। इसमें भी किसी को डाउट नहीं है? बहुत सही। अगर डाउट नहीं है तो फोर्थ वाले का ट्राई करके देखो, फोर्थ वाले में तो थोड़ा डाउट होना चाहिए, मेरे हिसाब से डाउट होना चाहिए। फोर्थ वाले केस में पीएच इज इक्वल टू 9 होगा। इसमें तो डाउट हो, सर ये वाला बता दीजिए, फोर्थ फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। वाला ना। हाँ चलो ध्यान दो, जैसे एक बेसिक पार्ट एकदम ध्यान रखना है, एकदम हमेशा ध्यान रखना, जब भी सवाल में एसिड दे रखा होगा और बेस दे रखा होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे वीक एसिड हो, वीक बेस हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, अगर सवाल में एक एसिड और एक बेस दे रखा होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, डिसऑर्डर बेस वाला पार्ट आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करेगा। तो जैसे यहाँ पे 0.2 मोलर 100 ml, 0.2 मोलर 100 ml दे रखा, तो टोटल वॉल्यूम तो जैसे ही 100 को 100 में मिक्स करेंगे तो डबल हो जाएगा। अगर टोटल वॉल्यूम डबल होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 तो रह नहीं पाएगा, इसको हम नीचे लिखना शुरू कर रहे हैं। 0.2 मोलर 100 ml CH3COH दे रखा, और उसके अलावा 0.2 मोलर 100 ml NaOH दे रखा। तो जैसे ही दोनों का 100 ml वाला पार्ट कंबाइन करेगा, मतलब वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम कंबाइन होकर के 200 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो 0.2 वाला पार्ट है, ये 0.2 वाला पार्ट आराम से 0.1 मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डबल होने से कंसंट्रेशन वाला पार्ट आधा हो जाता है। तो 0.1 मोलर 0.1 मोलर दोनों का कंसंट्रेशन निकल के आ गया। और जब भी कभी हम लोगों के पास एक एसिड दे रखा और एक बेस दे रखा, तो हमेशा दोनों के बीच में रिएक्शन कराना ही होता है, एकदम बिल्कुल फिक्स्ड है, रिएक्शन कराना ही कराना है। तो इस केस में जैसे वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का 200 के बराबर है, कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर है, दूसरे वाले में भी कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर, वॉल्यूम वाला पार्ट 200 के बराबर है, तो कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो जो हम लोग का रिएक्शन होगा CH3COH वाला पार्ट, अगर ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3CONa बनाएगा और साथ ही साथ H2 बनाएगा। अगर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों सेम है, तो इस केस में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक H प्लस दे सकते हैं और यहाँ पे एक OH माइनस दे सकते हैं। तो जितना H प्लस इधर आएगा उतना ही OH माइनस वाला पार्ट दूसरे साइड में आएगा, मतलब नंबर ऑफ H प्लस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा और 1:1 में रिएक्शन चल रहा है सब जगह। तो जितना इधर नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट खत्म हुआ है उतना इधर नंबर ऑफ मोल्स बनेगा, या जितना कंसंट्रेशन इधर खत्म हुआ है उतना ही यहाँ पे कंसंट्रेशन बनेगा। तो एक चीज मालूम पड़ गया कि रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में CH3COONa है,
और उसका कंसंट्रेशन सी के बराबर है। तो अगर कभी भी एक एसिड के साथ एक बेस दिया तो पहला काम कंप्लीट रिएक्शन कराओ, दूसरा काम जब प्रोडक्ट बना देंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद ये देखो कि फाइनल सॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस फाइनल सॉल्यूशन में CH3COH ख़त्म हो चुका है, NaOH ख़त्म हो चुका है, वाटर तो वाटर है उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बचा क्या अपने पास फाइनल सॉल्यूशन में केवल सॉल्ट। अगर केवल सॉल्ट दे रखा तो उस केस में हम लोग आराम से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट का कंडीशन कैरी आउट करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी एक सॉल्ट देगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंडीशन अप्लाई करके आराम से काम कर सकते हैं हम लोग। और अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है। अगर अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा मतलब CH3COONa का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो बेसिकली CH3CO- का हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्यूशन में OH- निकलेगा, मतलब POH कैलकुलेट करेंगे, और POH वाला पार्ट जो है पीओएच वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, तो पीएच वाला पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 7 कंसीडर कर सकते हैं। अब उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पीओएच इज इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू जो कि 14 के बराबर होगा, माइनस पीके 10^-5 के बराबर वैल्यू दे रखा था, तो यहाँ पे पीके वाला पार्ट 5 के बराबर होगा, तो माइनस पीके 5 के बराबर होगा, माइनस लॉग सी जो कंसनट्रेशन वाला पार्ट ऊपर मेंशन किए थे कहीं पे 0.1 के बराबर हो गया, दे रखा था 0.2 लेकिन जैसे ही 100 ml में 100 ml डाले कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर हो गया। इसका मतलब अपना यहाँ पे जो माइनस लॉग सी है तो माइनस लॉग 10^-1, यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है ये +1 के बराबर आएगा, 14 -5 +1 ये कैंसिल आउट होगा, -4 ये कैंसिल आउट होगा, 10 10/5 इसका मतलब सॉरी 10/2 मतलब POH इज इक्वल टू 5, और अगर POH 5 हो गया तो POH इज इक्वल टू 9 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी कभी एक क्वेश्चन में एक एसिड दे रखा होगा और एक बेस दे रखा होगा तो पहला काम सबसे पहले रिएक्शन कराओ, सबसे पहला काम रिएक्शन कराओ नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, उसके बाद ये देखो कि फाइनली कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चीजें पूरे मिक्सचर में बच गई हैं। अगर केवल सॉल्ट बचा तब तो उस केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर केवल एसिड बचता, वैसे एसिड नहीं बचेगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, तो सॉल्ट तो एनी टाइम रहेगा, उसके साथ और कुछ कुछ रह सकता है। तो अगर केवल सॉल्ट रहेगा तो उस केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर सॉल्ट के अलावा कुछ और रहा तो उस केस में नॉर्मली बफर सॉल्यूशन का एक केस निकल के आ सकता है, अदरवाइज और कोई केसेस नहीं होते हैं। हाँ एक और केस हो सकता है कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब उस केस में हो सकता है कि मिक्सचर ऑफ एसिड्स या मिक्सचर ऑफ बेसिस का एक केस निकल गया है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट ठीक है अगर वैसा भी केस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सचर ऑफ एसिड रहा तो एसिड के मिक्सचर वाले पीएच का कैलकुलेशन अप्लाई करो, मिक्सचर ऑफ बेस रहा तो बेस के मिक्सचर वाले पीएच का कैलकुलेशन कैलकुलेट करके आराम से आंसर निकाला जा सकता है। ये निकालने का तरीका ध्यान रखना होता है, जैसे ये तीन फॉर्मेट या चार फॉर्मेट जो मेंशन किए है, एक तो इस फॉर्मेट में सवाल होगा जिसमें हो सकता है सिंपल सा सवाल हो, एक सॉल्ट दिया उसका के वाला वैल्यू दे रखा, एक सॉल्ट दिया उसका के बी वाला वैल्यू दे रखा, या फिर एक सॉल्ट दिया लेकिन सवाल में के बी का ही वैल्यू दे रखा है, के का वैल्यू नहीं दे रखा। तो अगर के बी दे रखा है तो सिंपली इसको बेस मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब बेस का जो पीएच था हाफ पीके माइनस लॉग सी, तो हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि यहाँ के बी दे रखा है। और नहीं तो ऐसा भी कंसिडरेशन लेके चल सकते थे, ऊपर एक रिलेशन बताया था तुम लोगों को K into KB of conjugate base is equal to KW. तो यहां से KB is equal to, हम लोग के पास KW upon K है, या फिर K is equal to KW upon KB हो जाएगा। तो जैसे वहां पे सवाल में CH3CO- का KB दे रखा, इसका मतलब अगर हम लोग को CH3COOH का K निकालना होगा तो आराम से 10^-14 डिवाइडेड बाई 10^-9 कर सकते हैं, मतलब बेसिकली के का वैल्यू 10^-5 के ही बराबर निकल के आएगा। इस फॉर्मेट में भी सवाल को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। और चौथा फॉर्मेट एक रिएक्शन का पार्ट दे रखा होगा कि दो कंपाउंड्स हैं या दो एसिड और बेसिस हैं, उनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद पीएच का एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन कैरी आउट करना है हम लोगों को। समझ आया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? इसमें और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे एक और केस होता है, वैसे वो सिलेबस का पार्ट माना नहीं जाता है, एटलीस्ट मेडिकल के लिए तो नहीं माना जाता है, जैसे हम लोग अभी तक जो केसेस लेके चल रहे थे उस केस में वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, उसके अलावा
स्ट्रॉन्ग बेस या सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट था, ये दो केसेस लेके चल रहे थे। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस का भी तो सॉल्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस पे कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब मेडिकल के एग्जाम के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है, बट फिर भी उसके फॉर्मूले याद रखने होते हैं, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा, उसके अलावा पीएच वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच का फॉर्मूला अगर मालूम है तो वहां से एच प्लस और ओ एच माइनस भी आराम से निकाल सकते हैं, उसके अलावा केएच का एक्सप्रेशन के और केबी के टर्म में क्या निकल के आएगा, वो सारे के सारे कैलकुलेशन यहाँ से ध्यान रखने होते हैं। जैसे एक तो ये ध्यान रखना केएच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, एक ये फॉर्मूला होता है। जैसे जब हम लोग अनायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो के डब्ल्यू अपॉन के आया था, जब कटायनिक हाइड्रोलिसिस किया था तो के डब्ल्यू अपॉन के बी आया था, जब वीक एसिड प्लस वीक बेस करेंगे तो कटायनिक और अनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों होगा, ए माइनस का भी हाइड्रोलिसिस होगा बी प्लस का भी हाइड्रोलिसिस होगा, तो उस केस में के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी निकल के आता है। एच का वैल्यू रूट अंडर के एच डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट अंडर के एच होता है, तो इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना, क्योंकि जब इसमें के एच का वैल्यू डालेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा। तो एक तो के एच वाला पार्ट ध्यान रखना और दूसरा एच वाला पार्ट, रूट अंडर के एच अपॉन वन प्लस रूट अंडर के एच के बराबर वैल्यू होता है। फिर जब हम लोग पी एच का कैलकुलेशन करते हैं तो पी एच वाले पार्ट में यहाँ पे हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता, जो लॉग सी वाला पार्ट है वो रहता ही नहीं है। तो एक्सप्रेशन तो जो खैर सिंपल सा है, याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हम लोगों का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराएंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टाइम पे हम लोगों के जो पीएच वाले पार्ट है वो पीएच वाले पार्ट सॉल्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये एक फैक्ट है जिसको इसमें याद रखना होता है। अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन लेते हैं तो बफर में भी नॉर्मली कंसंट्रेशन वाला पार्ट आता है, लेकिन जब हम लोग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस लेते हैं तो उस केस में एच प्लस से कंसंट्रेशन या ओ एच माइनस से कंसंट्रेशन और पी एच और पी ओ एच ये सारा पार्ट कंसंट्रेशन वाले पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कंसंट्रेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, इस एक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता। बाकी एक्सप्रेशन में अगर सवाल पूछना भी होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर सवाल पूछेगा, मेरे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए सवाल, ये चीज पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी पीएच या एच प्लस पीओएच या ओएच माइनस किस किस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो उस केस में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस अगर हुआ तब उस केस में हम लोग का पीएच वाला पार्ट या एच प्लस वाला पार्ट, पीओएच वाला पार्ट या ओएच माइनस वाला पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एक बेसिक पार्ट थोड़ा ध्यान रखना होगा, बट ये फॉर्मूला ध्यान रखने का है। और हम लोग पीएच के जगह पे पीओएच कैलकुलेट करते हैं तो हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के जगह पे प्लस पी के बी माइनस पी के बी की जगह पे माइनस पी के आराम से अप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अगर दिक्कत नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक और बताना था बफर, तो आज तो टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, जैसे तुम लोग पढ़ करके तो आ नहीं रहा कुछ भी, एटलीस्ट रीडिंग करके आया करो, जो तुम्हारे नोट्स कॉपी में जो चीजें लिखा रखी है ना उसको एटलीस्ट रीड करके आओ, ताकि हम लोग क्वेश्चन ज्यादा फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके रखेंगे, क्लास का टाइमिंग क्या होगा इन्फॉर्म कर देंगे आराम से। नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हम केवल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके रखेंगे और उन क्वेश्चंस को स्क्रीन पे दिखाएंगे तुम लोगों को, और उन क्वेश्चंस वाले पार्ट को एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जब डिस्कशन करेंगे तो वैसे ही चीजें रिवाइज होनी शुरू हो जाएंगी। तो शुरू में फॉर्मूला मेंशन कर लेंगे हम लोग, और फॉर्मूला मेंशन करने के बाद हम लोग आराम से क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेंगे। जो फॉर्मूला होगा ऐसा कर सकते हैं कि हम एक वन नोट वाले पेज में फॉर्मूला सारा मेंशन कर दें, वो फॉर्मूला तुमको पीडीएफ में हम भेज भी दें, मतलब पहले एक्सप्लेन कर देंगे फिर वो फॉर्मूला तुमको पीडीएफ में भेज देंगे, तो वो फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। फिर हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन एक घंटे में या 20 क्वेश्चन आराम से एक घंटे में सॉल्व करते चले जाएंगे। ये काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं ताकि रिविजन थोड़ा इफेक्टिवली होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं, अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं।